बच्चों आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण और रचना की पुस्तक है। इसके अंतर्गत वर्ग 9 जिसके मुख्य विषय में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। आपके स्क्रीन पे बच्चों शब्द विचार आ रहा है। शब्द विचार के अंतर्गत सर्वप्रथम आपके स्क्रीन पर पर्यायवाची शब्द नज़र आ रहे होंगे। पर्यायवाची शब्द होता है जो कि अर्थ की दृष्टि से तो समान होते हैं और उन्हें भाषा में पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है। दो पर्यायवाची शब्दों में बहुत कम अंतर होता है। वास्तव में ये शब्द पर्यायवाची ना होकर मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। आपके स्क्रीन पर कुछ पर्यायवाची शब्द के उदाहरण नज़र आ रहे हैं, जिसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसके कुछ मुख्य उदाहरण को अपने कॉपी में उतार लेना है। बच्चों विलोम शब्द, विलोम शब्द जिसे हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं, किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे कि पाप का विलोम पुण्य होता है। कुछ और शब्दों के विलोमार्थी शब्द आपके स्क्रीन पर नज़र आएंगे। बच्चों आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर विलोम शब्द नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ में मैंने टिक लगाया हुआ है जो पहले के परीक्षा में आए हैं, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये सभी आपके लिए मुख्य हैं। ये उदाहरण के तौर पर सिर्फ निशान लगाया हुआ है, आपको इसे अच्छी तरह से याद करना है और इसके कुछ मुख्य उदाहरण को अपने कॉपी में लिखना भी है। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर अनेकार्थी शब्द नज़र आ रहे हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अंबर है और अधर है, तो इन दोनों का अर्थ बदल जाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि वस्त्र आकाश, दूसरे का मतलब होता है अंतरिक्ष, धरती और आसमान के बीच। तो इन दोनों का अर्थ अलग है और ये आपको अंतर स्पष्ट हो रहा है। इसे ही आपको ध्यान देना है। पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है और ये सूक्ष्म अंतर अब आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भाषा में ऐसी शक्ति होती है जो उचित प्रयोग होने पर अपने विशेष पहचान बनाती है। सुगठित, संक्षिप्त, सटीक भाषा का प्रयोग अर्थ और संप्रेरणीयता को प्रभावशाली बनाता है। इसी लक्ष्य पूर्ति हेतु हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य, वाक्यांश या अन्य पदों का बोध कराते हैं। इसका प्रयोग भाषा में सटीकता और प्रभात्मकता लाने के लिए होता है। जैसे कि जिस पर संदेह हो, संदेहास्पद, जिसके मन में कपट हो, कपटी। तो अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द है जो कि इसके अर्थ को स्पष्ट कर देता है। बच्चों इस पाठ में मैंने आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सबों को मैंने आपको पढ़ाया है। और बच्चों इन सबों को आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि अपने कॉपी में उतारना भी है। हो सकता है कि ये पाठ आगामी में मैंने आपको पढ़ाया हो, लेकिन अभी परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैं इसे वापस से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका रिकॉल हो जाए। अब बच्चों आपका अभ्यास प्रश्न आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। निम्नलिखित का दो दो पर्यायवाची लिखना है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं और इन वाक्यों के लिए दो दो अर्थों के शब्द को लिखना है। हो सकता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस में आपके पीडीएफ में लोड हो और होमवर्क के अंतर्गत आपको दिए जाएं। इसे आपको लिखना है और इसे हो सकता है कि आपको चेक करके नंबर भी दिया जाए। आशा है बच्चों इस अध्याय को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप इसको याद करके
लिखने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक एक वर्ड का उत्तर देना होगा इस बार के परीक्षा में। आशा है बच्चों आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा। आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।